नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी के विभिन्न टॉपिक का अध्ययन करवाते हैं, जिसे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स व 11 ट्वेल्थ व कॉलेज के तैयारी में मदद मिलती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रमा की उत्पत्ति। पीछे के वीडियोज़ में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बिग बैंग के सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत माना था। आज हम बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने एक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार पुरातन काल में अर्थात आरंभिक काल में चंद्रमा व पृथ्वी आपस में जुड़े हुए एक पिंड थे जिनका आकार डंबल के जैसा था, जो कि किनारों से चौड़ा व बीच में से संकड़ा था। लगभग इस प्रकार का डंबल का आकार हम सभी जानते हैं। विद्यालयों में 15 अगस्त 26 जनवरी पर इसका उपयोग किया जाता है, तथा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वे भी डंबल का उपयोग एक्सरसाइज करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि इससे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बताया? सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि जब लगातार इस पिंड में घूर्णन गति होती रही तो धीरे धीरे यह बीच में से घसता गया और संकड़ा होते हुए अंत में यहां से टूट गया, और टूटकर यह पिंड अलग हो गया और यह पिंड अलग हो गया। एक पिंड चंद्रमा बन गया और एक पिंड पृथ्वी बन गया। लेकिन क्या यह सिद्धांत सही है? इसे कोई बच्चा भी नकार देगा। किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता ही नहीं इसको नकारने में, कोई बच्चा भी नकार देगा, क्योंकि न तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई चोंच बनी हुई है, न ही कोई चंद्रमा पर ऐसी चोंच बनी हुई है। अगर डंबल से टूटकर अलग होता तो दोनों में कोई ना कोई उभार इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन दोनों में कहीं नहीं है, दोनों पूर्णतया गोलाकार रूप लिए हुए हैं। इसलिए यह सिद्धांत गलत साबित होता है, वैज्ञानिक इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। फिर अगला सिद्धांत जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह माना कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वह एक बड़े टकराव की वजह से हुई है, जिसे द बिग का मतलब है बड़ा और स्प्लेट का मतलब है टकराव। तो द बिग स्प्लेट की वजह से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अब यह द स्प्लेट हुआ कैसे? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा तारा घूमता हुआ पृथ्वी के निकट आया और पृथ्वी से टकरा गया, और पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। और जब वो तारा कालांतर में पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया तो पृथ्वी से जो टुकड़ा टूटकर अलग हुआ था वह टुकड़ा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। लेकिन हम डायग्राम से समझते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है, अर्थ, और यह एक तारा है जो घूमता हुआ पृथ्वी के नजदीक आ गया और यहां से टकरा गया। यह टकराव, और जब टकराव हुआ तो यहां से कुछ टुकड़ा टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया, और जब यह तारा घूमता हुआ वापस पृथ्वी से दूर चला गया, अब दूर निकल गया पृथ्वी से, जब यह दूर चला गया तब यह जो टुकड़ा टूटकर अलग हुआ था इस पर इसका जो प्रभाव था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस पर किसका प्रभाव रह गया? केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का, और यह धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और ये पृथ्वी का उपग्रह बन गया चंद्रमा। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है, और वर्तमान में यही इसका सर्वमान्य सिद्धांत है। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।